बिल्कुल। अब 17 यूनिट एक्शन, 18 मीटर सर। 17.8 रफली 18 मीटर इज द रेडियस, मीन्स इफ दिस इज द सर्कल दिस विल बी 18 मीटर्स। ओके And what will be the dia if the radius is 18 meter and will be 36, right? That's the conclusion. So these two things we got it. Okay. Next हमको units को change करना पड़ेगा। इधर वो फीट में है ड्राइंग, इंच में है, ठीक है, हम उसको चेंज करना पड़ेगा। लेट मी सी, लेट अस सी। फीट में है, हम इसको चेंज करेंगे तो लॉक हो जाएगा। मेक दिस एज करंट, स्प्रिंकलर को करंट लेयर में पड़ते हैं। यूनिट्स चेंज करने के लिए डैश TWG यूनिट्स, वो इधर ही बता देगा आपको ड्राइंग यूनिट्स क्या है। वन में है, हमको थ्री में करना है, में करना है, सॉरी, एंटर एंटर एंटर। लेटर्स समझाओ। मैनो लेटर्स म्यूट, प्लीज म्यूट इट व्हेनेवर यू वांट टू स्पीक इट इन यू। वन, अभी हम स्प्रिंकलर में, अभी एक डायमेंशन मेजर करेंगे जस्ट टू कंफर्म। अभी आपका यू कैन सी द कैलकुलेटर ऑन स्क्रीन, थर्टी यस सर। एट 38 फीट, ठीक है, उसको मीटर में करना है तो 3.28, राइट। से चेंज हो गया 961। में क्या हुआ है, MM में ही है, मीटर में ट्राई करके देखते हैं। अभी प्रॉब्लम
फीट में रहने दो, तो ये इसको प्रॉब्लम हो रहा है। तो लेट इट बी इन फीट, ठीक है। अभी आपको जो कितना मिला था, 18 मीटर, राइट, रेडियस, उसका कितना फीट होता है? 18 मीटर, हाउ मच फीट करेंगे? 55, 56। 59, roughly 59 feet, correct? एक सर्कल डालेंगे, सर्कल सी वन पर, इधर कितना? 59 feet। उसका एरिया देखेंगे। ठीक है, स्क्वायर फीट में ना, स्क्वायर फीट इतना है तो स्क्वायर मीटर में कितना होगा? डिवाइड बाय 10, क्या होगा? 1093, करेक्ट। ओके, तो दिस इज द वन रेडियस। सो मूव सेंटर लेके, आपका शार्ट ऑलरेडी कुछ है, डिफाइंड है? ये शाफ्ट है, कि क्या है ये, लिफ्ट है? ये स्टेयर केस के बाद स्विडल ये वाला शाफ्ट है, वाला स्टेयर लिफ्ट है केस। ना वो इधर? नहीं, ये मिडिल में जो चाहते हैं, मिडिल में जो स्टेयर केस है। मेडल में स्टेयर केस है। ओके, ओके, लिफ्ट का पीछे है? ये नहीं, लिफ्ट के पीछे इतना स्टेयर एंक्लोज केस है के ना सामने उस तरफ। हाँ, ये वाला स्टेयर ये? केस लैंडिंग, उसके आगे वाला, आगे बताओ किधर वाला। हाँ, ये? उसके नीचे आगे। लिखना चाहिए हाँ, टेक्स्ट में, टेक्स्ट में लिखना चाहिए। ये जैसे लिफ्ट लिफ्ट लिखा है ना, उससे टेक्स्ट में लिखना चाहिए किधर शाफ्ट है। ये शार्प डेट नहीं है, है, ये तो बनाना बिल्डिंग है। पड़ेगा। हाँ, ये बनाना पड़ेगा शार्प तो नहीं है आपको। इसे। दो स्क्वायर कैसे इधर एक बना देंगे, हाँ, ये एक बनेगा। सीढ़ी की तरफ बनाइए सर, लिफ्ट के सामने हो जाएगा। नहीं, ये वो इसका वाल सेम, ये करके ऐसे मैं बोल रहा हूँ। ये जो वाल है ना लिफ्ट का, सेम अलाइन होके रहेगा वो। इसका एंट्रेंस पार्ट होगा, सीढ़ी की तरह बनाया जाता है। हाँ, ये तो कॉलम है ना, कलम की कॉर्नर की तरफ, सीढ़ी की तरफ। ऐसा हाँ, ऐसा नहीं होता काम। किसी को पता भी नहीं चलेगा किधर शाफ्ट है। और इधर ओपनिंग दे सकता है इस तरफ, और लिफ्ट का फ्रंट हो जाएगा तो फिर बंद होने तो तो। क्या आता है? वैसे तो अंधेरे में रहेगा ना ये, दिखेगा नहीं किसको। और एक ये चीज तो कर ओपन हो सकते हो गया इधर, सर। ये लैंडिंग में डाल सकते हो, तो ये भी मुश्किल है। लेकिन ये आप में होगा एकदम। वो भी और प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है हर प्रोजेक्ट में, वही है। आर्किटेक्ट ड्राइंग बना देते हैं बट क्राफ्ट नहीं देते हैं, मैं किसे किसे चाहिए। ठीक है, तो इधर ही मैं बना देता हूँ। ओपनिंग इस तरफ रहेगा, हाँ, ये परमानेंट ओपन है, यहाँ पे कोई डोर नहीं है। इधर डोर नहीं है, ठीक नहीं,
आप यहाँ रख सकते हैं, नहीं तो ये कॉर्नर वाला उसके अपोजिट कॉर्नर पे कॉलम के पास इधर ही कर सकते नहीं हैं। नहीं ये ठीक है, ये ठीक है। दो फिट कम होगा स्पेस। ठीक है, इधर रहना तो शॉट, लेकिन एक शॉट में नहीं होगा। अगर मैं रखता हूँ तो ये हाइड्रेंट इतना कवर करेगा, और एक हाइड्रेंट चाहिए होगा आपको, एक में नहीं होगा, नहीं हुआ। एक में नहीं होगा, और एक हाइड्रेंट आपको डालना पड़ेगा। ये क्या है, ये कॉरिडोर में, ये कॉर्नर में डालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये डाल दिया तो पूरा कवर आ जाता है। तो लिखते मैं इसका, पीछे तो मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। पहले तो उस तरफ होती है ना, ठीक। इधर इसको शार्प रख सकते हो, नहीं तो कटआउट देके ओपन रख सकते हो, और भी कर सकते हो। ये तो सर एंट्रेंस है, आप टाइम पर ओरिएंटेशन चेंज कर दीजिए, लिफ्ट की वाल की तरफ रखें। इस तरफ स्पेस आपका ये रेडियस कम हो जाएगा। ये एंट्रेंस पार्ट है, आप उसके ओरिएंटेशन चेंज कर दीजिए, लिफ्ट की वाल की तरफ रहेगा। अच्छा, इसका एंट्रेंस इधर ही है क्या? वही हाँ है, डिजाइन कुछ भी कर लेते हैं। ये कॉर्नर में दिया तो हाँ वो भी होगा, वो कनेक्ट होने से फिर ये पाइप आने में दिक्कत होगा इस एरिया में। ये सही जगह है आप जो दिए हैं, लेकिन उसके ओरिएंटेशन चेंज करवा दीजिए, लिफ्ट की वाल की तरफ रहेगा। तो एंट्रेंस इसका इधर भी है ना कुछ। अच्छा, ये जो कुछ कुछ फंक्शन फंक्शन रहेगा उसको बैक स्टेज जैसा, ये है राइट? इसको ओरिएंटेशन किया तो ऐसे बोल रहे हो आप? हाँ ऐसे ही, नहीं, ये गैप बहुत कम हो जाएगा, ये जगह में ठीक रहेगा। ठीक है। वो जगह में ठीक रहेगा, बस छोटे और स्पेस ले लेते। ठीक है, ये दो शार्प लोकेशन। शार्प हो गया, फिर अभी इसके बाद तो ऐसे ही दोनों शाफ्ट के अंदर बीच में डिस्टेंस अभी कितना है? 36 मीटर आएगा वो ट्रैवल डिस्टेंस देखना ना तो पड़ेगा शाफ्ट। आपको। इधर से एक ये बोलता हूँ ट्रैवल डिस्टेंस, बोलता हूँ ट्रैवल कितना लेंथ, उससे 24 फीट कितना मोटे है देखो, थर्टी फाइव या 36 होगा लगता है।
चलो चलो ठीक ठीक है, ये दो शार्ट रहने दो। शार्ट अभी क्लियर हो गया, राइट? सौरभ, हेलो, लेनोवो में सौरभ आपने ज्वाइन किया? ठीक है, तो ये हो गया, राइट? सर, इसका अभी फॉर्मूला थोड़ा हाँ ऐसे ही, ये 36 मीटर तक जा सकते हैं ना? ऐसे जा फॉर्मूले सकते कहीं हैं। से और एक बार बताइए तो। दो ट्रैवल ट्रैवल डिस्टेंस फॉर्मूला सेकंड कुछ नहीं है इसका। ट्रैवल डिस्टेंस, ठीक है, ट्रैवल डिस्टेंस मतलब क्या है कि ऑलरेडी नोट्स में हमने मेंशन किया है, इसके लिए दिखाता हूँ आपको। ट्रैवल डिस्टेंस कहाँ पे हमने, ये आपका जो भी बिल्डिंग रहेगा आपका 30 दिया है, राइट? 30, अगर आपका स्प्रिंकलर है तो 50% ज़्यादा होगा, तो 45 मीटर तक जा सकता है, ठीक अच्छा है? अगर स्प्रिंकलर है तो 50% ज़्यादा जा सकता है, तो 30 प्लस 15 मीन्स 50% मतलब 15, सो 45 मीटर्स, तो 45 मीटर जा सकता है आराम से। अच्छा राइट, अभी ये हो गया, अभी क्या करेंगे? इधर शार्ट रहेगा आपका, पंप रूम वगैरह किधर रहेगा, टैंक किधर रहेगा, वो भी सब आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है? ये अभी मैं बेसमेंट के टिपिकल सामने, हाँ ये बेसमेंट के सामने की तरफ। इसमें सामने किधर, इधर हाँ कुछ भी नहीं, मतलब कुछ रूम बना रहे हो कि कैसे, उसके आर्किटेक्ट का ड्राइंग यहाँ पे चाहिए रूम बना रहा है एक्स्ट्रा करके, ये आपको। सामने रूम बना रहा है। ओके, वो छोटू वो आप देख रहे हैं ना, मैं अभी एक टिपिकल फ्लोर पे करते हैं पहले। तो इधर आपका हाइड्रेंट आ गया, ओके, एक इसको चेंज कर देता हूँ, ये हाइड्रेंट हो गया, और एक रहेगा स्प्रिंकलर, और एक रहेगा ड्रेन पाइप, इधर है स्प्रिंकलर, और एक ड्रेन पाइप रहेगा 50 mm का। और प्लेयर बन गया, नो प्लेयर, और सारा ड्राइंग लेयर में कर लो, लेयर में करने में बहुत सारा फायदा है। ड्रेन तो ये हो गया शॉप का, इसमें ज़्यादा डिटेलिंग दिखाना है, अभी के लिए जस्ट इतना ही रखते हैं।
इसको जो टेम्पलेट है वो टेम्पलेट में इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं वो दिखाता हूँ। नेक्स्ट, अभी स्प्रिंकलर अभी कैसे करोगे? स्प्रिंकलर का भी सेम डिवीजन आप करोगे वैसे ठीक रहेगा। इधर से आप ये एरिया को कंट्रोल करोगे, वो एरिया को वो स्प्रिंकलर कंट्रोल करोगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसको टॉयलेट में तो कुछ भी नहीं आएगा, ये कॉरिडोर में कुछ पेंडेंट स्प्रिंकलर आएगा, इधर साइड वाला आएगा। ओके, तो नेक्स्ट रोली लाइन डाल के इसको साइड वॉल देना पड़ेगा। यहाँ पे स्पीकर नहीं हो सकते हैं, पेंडेंट पेंडेंट क्या है स्पीकर नहीं हो सकते हैं। इंटीरियर? इंटीरियर क्या है? इधर सीलिंग है कि कैसा? फॉल सीलिंग है कि कैसा है? आप फॉल ये सीलिंग है, फॉल सीलिंग है, दे सकते हो पेंडेंट, दे सकते हो फॉल सीलिंग है तो पेंडेंट दे देते हैं। मीटिंग एंड होगा 10 मिनट्स में, अगेन यू हैव टू रीजॉइन। ये एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको बताऊंगा फिर उसको करते जाना। अभी इसमें ऑफसेट करना है 1.5 1.5, चेंज करते हैं। सो वर्टिकल ये अभी इसको ऑफसेट करना है, ऑफसेट 1 पर 5 फीट का बोथ साइड पे। उसके बाद ऑफसेट 10 फीट। फिर इधर भी सेम आपको एक्सेल कंस्ट्रक्शन लाइन एंटर हॉरिजॉन्टल सेंटर। तो इधर उन्होंने ऑफसेट 10 फिट। ठीक है, लास्ट में कुछ ये होगा वो मैनेज कर लेंगे। अभी एक स्प्रिंकलर का एक ये बनाएंगे, फैमिली बनाएंगे स्प्रिंकलर का। जैसे मैंने बनाया था सेम को आपने लेकर उसको सोलो। इसको ब्लॉक में बनाना है, ब्लॉक में बोलिए इसका नाम देखते हैं। ब्लॉक हो गया, ठीक है, इसको लेके पेस्ट करेंगे, इसको स्टेन करेंगे बाद में।
बहुत बड़ा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा स्केल करेंगे छोटा। फिर इसको जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है उधर जाके प्लेस कर देंगे। तो ये रोम का हो गया, अभी जो लाइन हमने ड्रॉ किया था उसके बाद में रिवेट कर सकते हैं। तो ये रोम का स्प्रिंकलर प्लेसिंग हमने कर दिया, ठीक है। सर्कल तो उसके बाद को छोटा कैसे किया, सर्कल सर्कल, स्मॉल कैसे हुआ, जो स्प्रिंकलर का सर्कल ब्लॉक बना के लेके आ। अच्छा हाँ उसको स्केल किया है मैंने, स्केल एस सी। जस्ट अभी मैं एक देखता हूँ, दिखा लेता हूँ एस सी रेफरेंस किधर, इधर से मुझे इतना बड़ा करेंगे, ठीक है। अगर छोटा करना है तो अभी इसको राइट लाइन डालो। चाहिए तो ये पाइप थोड़ा सा दो। एक्चुअली स्प्रिंकलर इतना बड़ा नहीं दिखेगा। और एक चीज कर सकते हैं, इसको अगर सबको चेंज करना है तो एक ही बार में वो भी कर सकते हो। कैसे, इसको ब्लॉक एडिट में जाना है, इसको क्लिक करो, ब्लॉक एडिट क्लिक करने के बाद अभी जितना है उसका मुझे 50% कम करना है। तो उसको क्लिक करके 0.5 या 0.7 कर देता हूँ, 50% नहीं करूँगा, थोड़ा सा कम करूँगा, ठीक है 0.6 कर देता हूँ। इसमें क्लोज करूँगा तो सब में अपडेट हो जाएगा, बहुत छोटा हो गया, राइट। क्लियर है, इसको अभी कलर चेंज करके कॉपी करते जाओ। क्लैंश ये हो गया, ये एरिया का हो गया। इधर थोड़ा सा आपको ये दोनों नजदीक नजदीक दिख रहा है, तो अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा बीच में सेंटर में डालना है, नहीं तो वो इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अजीब दिखता है। अगर अभी सिलेक्ट में किया, अभी ये भी सिलेक्ट हो गया, इसको अनसिलेक्ट कैसे करना है, शिफ्ट पकड़ के, ठीक है, शिफ्ट पकड़ के इसको सिलेक्ट कर, ठीक है। इसको थोड़ा सा इन दोनों को बीच में रखना है, हल्का सा मूव करेंगे। अगर एक्यूरेट चाहिए तो आप एक्यूरेट भी कर सकते हो, उसका मेजरमेंट लेके, नहीं तो